हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवादा बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन ऑटो मार्केट की अपकमिंग टॉप 5 मोस्ट अवेटेड बाइक्स, जो कि 2 लाख ऑन रोड प्राइस टैग के साथ 2022 में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इंडियन ऑटो मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट की बाइक्स का डिमांड बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ा है, वहीं सबसे ज्यादा सेल होने वाली भी सेगमेंट यही है। इसलिए कंपनी टाइम टू टाइम इस सेगमेंट में कई नई बाइक्स और कई अपनी पुरानी बाइक्स की अपडेटेड मॉडल को लॉन्च करती रहती है। हाल में ही आपने देखा भी होगा कि कई नई बाइक्स की टेस्टिंग चालू भी हो चुकी है, तो इस लिस्ट की जितनी बाइक्स है वो बहुत जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जो भी भाई लोग आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेस करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी जेन्युइन अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है टीवीएस रेट्रॉन 204B। अभी तक इसको कई बार टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया जा चुका है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि टीवीएस इसमें ऐसी कई सारी फीचर्स हैं जो ऑफर करने वाली हैं, जो कि काफी प्रीमियम बाइक्स में ही आती है, और अब आपको इस बाइक में भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का इंतजार इंडिया में काफी लंबे टाइम से किया जा रहा है। अभी तक इसको कई बार टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया जा चुका है। अभी हाल में टीवीएस ने इस बाइक के प्रोटोटाइप मॉडल को भी रेडी कर चुका है, जिसका की क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हाल में ही क्लिक की गई थी जब ये टेस्टिंग के टाइम पे पुणे में स्पॉट किया गया था। और अभी तक टीवीएस के पास रेट्रो सेगमेंट में कोई भी बाइक नहीं देखने को मिलता है, जबकि बीते कुछ दिनों में लोगों का इंटरेस्ट रेट्रो सेगमेंट में काफी बढ़ चुका है। यही रीजन है कि आपने अभी देखा भी होगा कि होंडा ने इस सेगमेंट में अपनी हाइनेस को लॉन्च की है। रॉयल एनफील्ड भी इस सेगमेंट में काफी वर्क कर रही है, और अभी हाल में ईएसडी ने भी इस सेगमेंट में अपनी एक नई बाइक को लॉन्च की है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या टीवीएस के लिए सही होगा इस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना, और क्या ये कम्पीट कर पाएगी अपने कॉम्पिटिटर से। जब से इस बाइक को टेस्टिंग पे स्पॉट किया गया था, तभी से इसका इंतजार इंडिया मार्केट में काफी जोरों शोरों से हो रहा है। तो अब दिल थाम के बैठो, बहुत जल्द ये बाइक आपको आपके नजदीकी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको आरटीआर 204B से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एफआई ऑयलकूल BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 20-22 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और अराउंड 18 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। बाइक में आपको काफी पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा पावर भी जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा। ये बाइक TVS के अपाची RTR 204B के कंपैरिजन में ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल देखें तो इस बाइक का इंजन काफी पावरफुल रहने वाला है। अब बात करें फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको कई सारी प्रीमियम फीचर्स ऑफर की जाएगी। वैसे भी TVS की बाइक फीचर्स लोडेड होती है, बाकी इसमें आपको इंटीग्रेटेड SD कैमरा, स्मार्ट की डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, अलॉय व्हील्स के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी। बाइक के फ्रंट सेक्शन में आपको LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, ह्यूज फ्यूल टैंक और फ्लैट हैंडल बार देखने को मिलेगा। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, SD कैमरा, जो कि बाइक के टेल लाइट में माउंट रहने वाला है। बाइक में एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलेगा। इसका लुक पर्सनली मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और ये लुक ऐसा ही है कि जो आपको एक बार देखने में पहली नजर में ही ये बाइक काफी प्रीमियम फील देने वाली है। इसका टैंक आउट या फिर फ्रंट सेक्शन पूरी लुक बाइक की काफी आउटस्टैंडिंग होने वाली है। बाइक की फुल स्पेक्स अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया है, जिसकी वजह से बाइक की एक्सैक्ट डायमेंशन की कोई लीक अभी तक नहीं आई हुई है। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस अपाची RTR 204B के सिमिलर रहने वाला है। TVS इसकी प्राइस टैग को थोड़ा सा कम ही रखने वाली है, जिससे कि बाइक अपने कॉम्पिटिटर बाइक्स की सेल इजिली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,60,000 से 70,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा, और इसका लॉन्च डेट 2022 मिड का है। और ये लॉन्च के लिए जेन्यून है, डीलरशिप हो गई या फिर कई सारी फेमस रिपोर्ट से ये लीक निकल के आ रही है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये बाइक आपको 2022 में आपको नजदीकी शोरूम्स में जरूर देखने को मिल जाएगा। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है बजाज पल्सर NS200 नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि आप सबको पता होगा, बजाज ने अभी हाल में ही पल्सर F250 और N250 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है, और उसी के साथ बजाज की पल्सर 220 अब डिसकंटिन्यू भी कर दी गई है। तो इससे तो अब आपको एक अंदाजा लग ही गया होगा कि बजाज अपनी पल्सर सीरीज के लाइनअप को अपडेट कर रही है, और अभी NS200 अपने सेगमेंट में कहीं न कहीं काफी आउटडेटेड भी हो चुकी है। बजाज इसमें टाइम टू टाइम बस ग्राफिक्स और कलर्स में ही अपडेट कर रहा है, तो अब फाइनली वो टाइम आ ही गया जब आपको NS200 में बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से NS200 में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करें इसमें होने वाले कुछ चेंजेस की, तो ये बाइक बजाज की NS सीरीज के लाइनअप पे बेस्ड रहने वाली है। इस बाइक का लुक NS सीरीज से बिल्कुल सिमिलर तो नहीं, बट थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज में बाइक NS200 जैसा देखने को मिलेगा।
कंपनी इसके लुक को बिल्कुल फ्रेश और अट्रैक्टिव बनाने वाली है। इंडियन ऑटो मार्केट में अभी अगर देखें तो नेकेड सेगमेंट में बस कुछ गिने चुने ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो अगर बजाज यहाँ पे 200 सीसी में शानदार लुक के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक लॉन्च करे तो कहीं ना कहीं बाकी बाइक्स के सेल को ये काफी इफेक्ट करने वाली है। आप भी कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किस कंपनी के साथ जाना पसंद करेंगे। इसके लुक को NS200 से ज्यादा बल्कि और मस्कुलर बनाया जाएगा, ऐसे लीक्स आ रहा है। इसमें सिंगल LED सेटअप विद LED DRLs देखने को मिल सकता है। इसके टेल लाइट को भी बिल्कुल नए डिजाइन में रखा जाएगा। इसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप दी जाएगी। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स ऑफर की जाएगी। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम जैसे ही कई सारी मेजर फीचर्स शो होती है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको सिंगल डिस्क दिया जाएगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच दी जाएगी। ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ लॉन्च होगी। वहीं बात करें इसके प्राइस की तो बजाज इसके प्राइस टैग को थोड़ा सा कम इन बजट ही रखने वाली है, जिससे कि बाइक अपनी कॉम्पिटिटर्स की बाइक की सेल इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,65,000 से 85,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉन्च होने के बाद प्राइस टैग में आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिले। और बजाज इसको 2022 में इंडियन टू-व्हीलर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। अभी तक RAE रिपोर्ट्स के हिसाब से बाइक का इतना ही लीक आया हुआ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर कोई लीक आता है तो आपको पता चल जाए। हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है यामाहा MT-15 वर्जन 2.0। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें होने वाली चेंजेस की। तो सबसे पहला चेंज, इसमें कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी देखने को मिलेगा। बाइक में अब आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। हाल में यामाहा ने FZS V3 में ये अपडेट्स दिया था। वो सारे फीचर्स अब आपको MT-15 के क्लस्टर में भी देखने को मिल जाएगा। साथ में अब आपको MT-15 में कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारी एसेसरीज भी ऑफर की जाएगी। ये सारी एसेसरीज इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में अभी ऑफर की जाती है। सेम वही एसेसरीज अब आपको इंडिया में भी ऑफर किया जाएगा। वहीं इसमें अब आपको बिल्कुल नए कलर्स और नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। हाल में ही इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में यामाहा ने MT-15 के नए कलर्स और ग्राफिक्स को रिवील किया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि MT-15 के न्यू मॉडल में भी आपको सेम वही कलर्स और ग्राफिक्स ऑफर की जाएगी। इसमें आपको दो और नए कलर्स ऑफर किया जाएगा, पहला ग्रीन कलर और दूसरा मैट ब्लैक, जिसमें कि आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इसके ABS में किया गया है। इसमें अब आपको ड्यूअल चैनल ABS ऑफर की जाएगी। अभी तक बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता था, बट इसके न्यू मॉडल में अब आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इस अपडेट का नीड MT-15 में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा था, क्योंकि अगर इसके कॉम्पिटिटर बाइक्स की बात करें तो सब में आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है। इवन आपको R15 V3 में भी ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। यही रीजन है कि काफी लोग ड्यूअल चैनल ABS ना होने की वजह से दूसरे बाइक्स पे शिफ्ट हो जाते थे। तो यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS अभी तक MT-15 का सबसे बड़ा कमी माना जा रहा था, जो कि अब आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। साथ में अब आपको USD फॉक्स भी देखने को मिलेगा। फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस और लॉन्च रेट की। तो अभी MT-15 के करंट मॉडल की ऑन रोड प्राइस 1,65,000 है, जो कि अब 5,000 to 10,000 तक बढ़ने वाला है। नए मॉडल की ऑन रोड प्राइस 1,85,000 तक जा सकता है। और यामाहा इसको फरवरी के लास्ट वीक में लॉन्च करने वाली है। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, यामाहा ने R15 V3S, R15 वर्जन 4 और R15M तीनों को लॉन्च किया है। तो अब बहुत जल्द MT-15 को भी इंडिया में उतारा जाएगा। तो अगर आप इस बाइक का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लें, ये बाइक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। हमारे लिस्ट की सेकंड बाइक है बजाज पल्सर RS 200 नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि आप सबको पता होगा, बजाज ने भी हाल में ही पल्सर F250 और N250 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है। और उसी के साथ बजाज की पल्सर 220 अब डिसकंटिन्यू भी कर दी गई है। तो इससे तो अब आपको एक अंदाजा लग ही गया होगा कि बजाज अपनी पल्सर सीरीज के लाइनअप को अपडेट कर रही है। और अभी RS 200 अपने सेगमेंट में कहीं ना कहीं काफी आउटडेटेड भी हो चुकी है। बजाज इसमें टाइम टू टाइम बस ग्राफिक्स और कलर्स में ही अपडेट कर रहा है। तो अब फाइनली वो टाइम आ ही गया जब आपको RS 200 में भी अपडेट देखने को मिलने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से RS 200 में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करें इसमें होने वाली चेंजेस की। तो सबसे पहला चेंज इसके लुक में किया जाएगा। इसके लुक को अभी जो RS 200 आ रही है उससे सिमिलर रहने वाला है, बट इसके लुक को थोड़ा बल्की और एग्रेसिव बनाया जाएगा। इसके फेयरिंग को पहले से अब और ज्यादा शार्प लुक दिया जाएगा। फेयरिंग आपको न्यू मॉडल में भी फुल्ली फेयर्ड ही रहने वाली है, बट फेयरिंग के नीचे इंजन काउल में भी आपको एक नए ग्राफिक्स और कुछ नए कलर्स ऑफर किए जाएंगे। अभी करंट मॉडल के इंजन काउल सिंपल कलर में देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को थोड़ा सा बेकार सी कर देती है। बट न्यू मॉडल में आपको कंपनी ये गलती दोबारा नहीं करने वाली है। ये तो हो गई इसके लुक की बात। दूसरी चेंज इसके लाइटिंग सेटअप में की गई है। RS 200 के करंट मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, वहीं अब न्यू मॉडल में आपको फुल्ली LED सेटअप वाली हेडलाइट ऑफर की जाएगी। साथ में ही आपको दो LED DRLs भी देखने को मिलेंगे, जो कि हेडलाइट के ठीक ऊपर के साइड रहने वाला है।
फ्रंट वाइजर अब इसका थोड़ा सा बड़ा और बल्की रहने वाला है, जिससे कि बाइक लुकिंग वाइज डे एंड नाइट दोनों में ही काफी अग्रेसिव फील देने वाली है। इसके विंडशील्ड को भी पहले से थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, जिससे कि ड्राइविंग के टाइम पे आपको जो विंड ब्लास्ट देखने को मिलता था वो इशू अब इस बाइक में न्यू मॉडल में फील करने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको नए बॉडी ग्राफिक्स, कुछ नए कलर्स भी ऑफर किए जाएंगे। इसके टेल लुक को भी कंपनी चेंज करने वाली है। वैसे तो करेंट मॉडल की रियर लुक भी काफी बेहतरीन है, बट कंपनी न्यू मॉडल में आपको बिल्कुल नई फ्रेश वाली रियर लाइटिंग सेटअप प्रोवाइड करने वाली है, जो कि फुल्ली एलईडी रहने वाली है। इसके साथ ही इसके इंजन को भी ट्यून करके लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि हो सकता है पावर में आपको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिले। बाकी बाइक का माइलेज, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पुराने मॉडल जैसा ही रहने वाला है। नए मॉडल में भी आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। कंपनी अगर इसमें राइडिंग मोड्स भी ऑफर करती है तो कहीं ना कहीं ये बजाज के लिए अब तक की सबसे बड़ी चेंज हो सकती है पल्सर सीरीज में, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या आपके हिसाब से इसमें राइडिंग मोड्स की फीचर्स बजाज को प्रोवाइड करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो इसके न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,65,000 तक का रहने वाला है। वहीं बजाज इसको 2022 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च कर सकती है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हाल में ही इस बाइक के पिक को भी रेंडर किया गया है, जिसका कि क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक इस बाइक की कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक्स में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान अब लगाया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको मेटियोर 350 से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मेटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड का सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। बहुत भाई ऐसा भी कह रहे थे कि कॉन्टिनेंटल जीटी का भी इंजन बहुत रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला है, बट आपको बता दूं मेटियोर 350 का इंजन सबसे ज्यादा रिफाइंड है रॉयल एनफील्ड की। यही रीजन है कि आपको क्लासिक 350 में भी अब मेटियोर का ही इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको सेम मेटियोर से ही मिलता जुलता पावर, स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में 350 सीसी का नया वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेनली कॉम्पिटिशन देने वाली है होंडा की हाइनस CB350 को। इसकी सीट हाइट को काफी कम रखा गया है, जिससे कि पहले जो शॉर्ट राइडर्स को रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता था वो शायद इसमें आपको देखने को ना मिले। इस बाइक को मेनली लोगों के फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मेन रीजन है इसके लॉन्चिंग को डिले होने के लिए। कंपनी भी चाह रही है इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर करा जाए। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसका डिजाइन इंटरसेप्टर 650 पे बेस्ड रहने वाला है और इस बाइक में जी फ्रेम यूज किया गया है, जिससे कि बाइक के वाइब्रेशन को काफी हद तक कम किया जा सके और हैंडलिंग भी इसमें आपको काफी बेटर क्वालिटी की ऑफर की जाएगी। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो अगर आप हंटर 350 का वेट कर रहे हैं तो आपको 2022 फर्स्ट मंथ तक वेट कर लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट इसका 2022 फरवरी तक का देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस 1,95,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसकी प्राइसिंग 2,10,000 तक देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा प्राइस टैग में आपको अप डाउन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो में खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।